दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी गलती कर जा रही है कि या तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है या फिर मजाक का विषय बन जा रहा है। पहले आपने देखा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में जिस महिला का पोस्टर लगाया गया, जिस महिला का फोटो लगाया गया, वही महिला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध कर रही थी। यह ब्लंडर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन अब जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के बूथ संपर्क के लिए जो पोस्टर बैनर तैयार किया गया उसमें बीजेपी नेता की जगह किसी और का पोस्टर लगवा दिया। अब उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप देख सकते हैं कि ऑटो में जगह जगह पे ये पोस्टर लग गया, लेकिन पता ये चला कि जिस नेता का, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता का फोटो लगाना था उसकी जगह किसी और का फोटो लग गया, और किसी और का भी नहीं। आपको बता दूं कि बताई ये जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का फोटो लगा दिया गया। इस खबर को दैनिक भास्कर ने छापा, लिखा है यहाँ बूथ संपर्क के लिए तैयार की गई पोस्टर और बैनर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो लग गया। अब उसके बाद ये वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि ऑटो में भी ये पोस्टर लगाया गया। बताया गया है कि बूथ संपर्क के लिए ये पोस्टर बैनर तैयार किया गया था प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन हुआ ये कि जिस बीजेपी नेता का फोटो लगाना था उसकी जगह विधानसभा अध्यक्ष का फोटो लग गया वहां पर, जिसका नाम डॉक्टर सीपी जोशी है, और बीजेपी के जिस नेता का फोटो लगाना था उनका नाम था सिर्फ सीपी जोशी। लेकिन ये जो है वो हो सकता है कि गलती से हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मजाक का विषय बन गया। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही नेता कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ऐसे में नेता चुनाव प्रचार की आपाधापी में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सिरोही जिले के रेवदार कस्बे में। ये मामला जो है वो राजस्थान का है। राजस्थान में चुनाव से पहले जो प्रचार प्रसार का पोस्टर बनाया गया, पता ये चला कि उसमें बीजेपी नेता का पोस्टर लगाना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का वहां पे फोटो लग गया। और उसके बाद लोगों ने बताया कि ये गलती हो गई, तो उन लोगों ने बताया, जिन लोगों ने पोस्टर बनाया और लगाया था उन लोगों ने बताया कि हमसे गलती हो गई है, जिसका फोटो लगाना चाहिए था उसकी जगह किसी और का लग गया। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव से पहले ये सब कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।